राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ की। एमपी फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ हम थोड़ा सा पीछे से लेकर चले हैं और पीछे से लेकर चलने में हम 2020 से लेकर इस कट ऑफ को देख रहे हैं। हालांकि आप एक बात यहाँ नोट करके चलना, 2020 और 21 और 22 इन तीनों कट ऑफ्स में क्वेश्चन जो डिलीट किए गए वो बाहर हो गए हैं, जबकि 2023 में जो क्वेश्चंस बाहर होंगे उन क्वेश्चंस के मार्क्स एड ऑन होंगे। तो जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली जितने क्वेश्चंस डिलीट हुए उतने क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस डिलीट हुए थे तो वो क्वेश्चन प्लस होते तो कट ऑफ यहाँ पर बढ़ जाता। यहाँ पर कट ऑफ था 47, अनरिजर्व का था 262 गया था। अगर 40 क्वेश्चंस के आसपास 40 मार्क्स बढ़ जाते, 20 क्वेश्चन जो हटाए थे, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कुछ हटे थे, तो 300 के आसपास ये चला जाता अनरिजर्व का। देन उसके बाद आगे देखें 2021 की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो बहुत कम थी। 15 वैकेंसी थी क्षेत्रपाल की और वन क्षेत्रपाल की थी 40, परियोजना क्षेत्रपाल 15, टोटल थी 63 वैकेंसी। 63 में अनरिजर्व्ड के लिए 3, 5, 8, और 5, 13 वैकेंसी थी, जहां पर कट ऑफ गया था 314। यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए थे लेकिन पेपर थोड़ा सा टफ था, 314 पर ये पहुंच गई थी कहानी। फिर उसके बात करें, बाद बात करें हम एससी 15 और 2, 17 वैकेंसी थी, 290 कट ऑफ था 17 वैकेंसी के बाद। ये मोटा मोटा हमें देखना है क्योंकि 2023 में कुछ चीज़ें अलग हैं जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर हम देखें 2022 में टोटल जो वैकेंसी रही थी वो रही थी 15 में 4 अनरिजर्व की थी, कट ऑफ गया था 340 कट ऑफ था अनरिजर्व में। और एससी में कितना, एससी में था 2 वैकेंसी थी 324, 2 वैकेंसी पर, और एसटी में 3 वैकेंसी पर 308, और ओबीसी के लिए 336 वैकेंसी थी 4, ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी पर 334। अब हम देखते हैं 2023, जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार है, हम क्या बोलते हैं, क्या हमारा अनुमान रहता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएं, एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे 2023 का। यहाँ हम देखें, सबसे पहले अनरिजर्व्ड की बात करें और बिल्कुल लाग लपेट ना करते हुए सीधा सीधा हम आपको कट ऑफ के बारे में बताते हैं। ये अनुमानित कट ऑफ है, इससे प्लस होगा, अधिकतम संभावना होगी इससे प्लस होने की, बहुत कम चांस होगा किसी भी कैटेगरी में माइनस होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें नहीं लगता उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। 4 वैकेंसी यहाँ पर है हमारे अनुसार, इसमें 336 प्लस। हाँ, एक और कन्फ्यूज़न है जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज कमेंट बॉक्स में और जो हमारे इनबॉक्स में जो नंबर हम देते हैं वहाँ पर पड़े होते हैं, वहाँ पर जो एक जो डाउट पूछा जाता है, मार्क्स बताए जाते हैं सर 320 या 314 फीमेल जनरल या फीमेल ओबीसी, फीमेल एससी, फीमेल एसटी। तो फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं होती है, तो जेंडर को लेकर क्वेश्चन आप ना पूछें। सीधा जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो कॉमन जेंडर के लिए बताया जा रहा है, दोनों जेंडर उसमें शामिल हैं। फिर हम बात करें एससी की, यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं आता कि एसीएफ का कट ऑफ अलग आता है और रेंजर का कट ऑफ अलग आता है, ऐसा नहीं है, कॉमन कट ऑफ रहता है। ये डिसाइड होता है बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है कि आपकी प्रायोरिटी में क्या था और वहाँ इतने मार्क्स पर वो मिल रहा है क्या, वो उस पर आता है। यहाँ अनारक्षित में 336 प्लस ही कट ऑफ होगा और ये 340, 342, 344 तक जा सकता है आराम से। फिर उसके बाद बात करें एससी, एससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 56 वैकेंसी में इसका कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग 266 के आसपास रहेगा। ये 260 भी हो सकता है, ये प्लस माइनस में मानकर चलें ये 260 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं रहेगी। और एसटी की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी 75
ये 240 प्लस रहेगा, 240 प्लस, 240 से कम जाने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बहुत नीचे नहीं सोचना है, कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, आप समझे इस बात को, जब हम नीचे की तरफ आते हैं मार्क्स में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बहुत नीचे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ये जरूर इसके साथ हम माइनस लगा रहे हैं, और ये 240 के आसपास ही मानकर चलें, 238 भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन के चांसेस कम होंगी। ये जो है ओबीसी का, ओबीसी हम मानकर चलें 330 प्लस ही रहेगा, 330, और इसके एक वैकेंसी के लिए 334 के आसपास मानकर चलें। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से हम देखें, यहाँ पर 126 पोस्ट हैं, 126 पोस्ट में पर पोस्ट 20 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे मेंस के लिए, तो मेंस के लिए कितने लिए जाने हैं, 2520 इतने स्टूडेंट लिए जाने हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स जो सेम मार्क्स पर होंगे, जैसे कट ऑफ गया 266 एससी का, सपोज किया हमने 266 रहा, तो 266 पर एक स्टूडेंट को अंदर डालने के लिए 266 पर जितने स्टूडेंट होंगे उन सभी को अंदर लिया जाएगा, इसलिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। अभी लेना है 2520 लेना है, पर सीट 20 टाइम्स स्टूडेंट लेना है, 20 गुना स्टूडेंट लेना है, तो यहाँ ये बढ़ जाएगा 2520 से ज़्यादा हो जाएगा, मानकर चले लगभग 3000 स्टूडेंट होंगे। तो ये अनुमान है अनरिजर्व्ड के लिए 336 प्लस या इसे 340 प्लस ही अपन मान सकते हैं। पेपर इजी रहा, कट ऑफ कम नहीं होगा, किसी भी मुगालते में नहीं रहना है, कतई गलत फहमी में नहीं रहना है, क्योंकि आपके 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये था हमारा अनुमान, अनरिजर्व 336 प्लस, एससी 260 या 266, आप इसे 260 पर भी हैं आप तैयारी स्टार्ट करें, कोई भी ज़्यादा रिस्क की बात नहीं, 260 पर भी हैं तब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, 240 प्लस या 238, 236 भी है तब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, रुके नहीं, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, लगभग इतना ही होगा कट ऑफ, और 330 से ये प्लस होगा, माइनस इसमें कोई भी संभावना नहीं होगी, ये 334 प्लस होगा, माइनस इसमें भी चांसेस नहीं होंगे, माइनस के चांसेस सिर्फ कैटेगरीज में होंगे एससी और एसटी में, इसमें कट ऑफ हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ज़्यादा कोई भी संभावना नहीं। अब बात आती है आप हमसे कनेक्ट किस तरह से हो सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज या फॉरेस्ट्री या साइंस या नोट्स या फॉरेस्ट्री प्लस साइंस, किसी भी तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल होंगे जिसकी जानकारी अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिलहाल ये कट ऑफ का वीडियो है और कट ऑफ उम्मीद है आप सभी लोगों को ठीक लगा होगा, और ये भी हमारी उम्मीद है कि कट ऑफ इसके आसपास ही लगभग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।